नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आए दिनों स्टेज शो करती रहती हैं। इन दिनों अक्षरा का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो अक्षरा के स्टेज शो का है, जहाँ उन्होंने जबरदस्त डांस किया। सारा राम में आयोजित हुए स्टेज शो के वीडियो को इन दिनों YouTube पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बता दें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत ही कम समय में भोजपुरी फिल्म जगत की टॉप एक्ट्रेस में अपना नाम दर्ज करवाने वाली अक्षरा सिंह अपने अभिनय के साथ साथ अपनी आवाज से भी लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। मूल रूप से पटना की रहने वाली अक्षरा को अभिनय का हुनर विरासत में मिला है, क्योंकि इनके पिता विपिन सिंह भोजपुरी के प्रसिद्ध अभिनेता और इनकी मां नीलिमा सिंह भी एक अभिनेत्री थी। 30 अगस्त 1993 में जन्मी अक्षरा ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी। उन्होंने बचपन से गाने का बहुत शौक था, वो एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत देखिए अक्षरा का, आज वो एक सफल एक्ट्रेस के साथ साथ एक सक्सेसफुल सिंगर भी बन चुकी हैं। 10th तक की पढ़ाई उन्होंने पटना से ही की और उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई। अक्षरा ने अपने अभिनय की शुरुआत सीरियल काला टीका से की थी। इसके बाद अक्षरा सीरियल सरे पुत्र कर्ण में, लेकिन इन सब ने उन्हें ज्यादा पहचान नहीं दी। इसी दौरान अक्षरा की मुलाकात भोजपुरी मेगा स्टार रवि किशन से हुई, जिसके बाद फिल्म सत्यमेव जयते में अक्षरा को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का एक सबसे बड़ा ब्रेक मिला। 2013 में आई सत्यमेव जयते से अक्षरा पूरी भोजपुरी फिल्म जगत में छा गई। बता दें, भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अक्षरा की पहली ही फिल्म सत्यमेव जयते सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म से मिली सफलता के बाद अक्षरा ने आज तक पीछे मुड़के नहीं देखा। आज अक्षरा को उनकी कड़ी मेहनत और काम के प्रति लगन से इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां भोजपुरी फिल्में इनके नाम से ही हिट हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।